जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एक स्टूडेंट की तरफ से ये एक व्हाट्सअप इमेज आया जो उन्होंने घर पर रिड्रॉ कराए क्रिएट किया है। तो उनका ये था कि इसको सेमलेस पैटर्न में कन्वर्ट कैसे करना है, यानी कि इसका जाल वगैरह, इसको अगर जाल में हम करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो में आगे चल के हर चीज़ को मैं आपको ये क्लियर करके ये दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये आपकी बूटियाँ मैंने उठाई हैं बनाने के लिए, इसका जाल और या इसका और भी कुछ किस तरीके से बनाएं। सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपकी जो बूटियाँ हैं, जो तस्वीर ली है, ये पर्क में आ रही है। पर्क में आ रही है, वो कैसे आ रही है मैं ज़रा सा एक सेटिंग वीडियो को पॉज करता हूँ, सेटिंग में दिखा ला कर फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए, यूँ फर्क में आ रही है कि मैं इधर एक गाइडलाइन लगाता हूँ, ठीक है, और एक गाइडलाइन और लगा देता हूँ। ये समझना आपकी ये रिपीट आ गई, ठीक है। साइज का जो भी है वो तो आप बात की बात है, लेकिन देखें यही रिपीट ये बार बार कॉपी हो रही है, तो मैं इसमें से एक रिपीट उठा देता हूँ। लेकिन ये आप देखें कि ये आपकी ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ठीक है, और ये मेरी ब्लू लाइन में कितना फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। ये वजह ये आई है कि ये तस्वीर लेने का फ़र्क आ गया, ठीक है। तो बस अब ये है कि मैं सिर्फ यहाँ से आपकी एक बूटी को कॉपी करके इसको जाल में कैसे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करने के लिए मैंने ये कॉपी टूल उठा लिया, लेसी टूल, ठीक है, लेसी टूल उठा के इसको मैं कॉपी करके मैं दूसरी फाइल के लिए कराता हूँ। फोटो देखो, चलिए फाइल भी मैं करता हूँ बंद और ये देख लेकर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये फाइल इधर आ गई आपकी दूसरी। अब मैं मजीद इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका इमेज वाजे हो जाए। तो इसको मैं अभी क्रॉपिंग को लेकर आता हूँ। इसको क्लियर करने के बाद फिर मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने बूटी को क्लियर कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखिए इतना ज़्यादा, अभी ये फिलहाल ये एक इमेज है। अब इसको मैं ट्रेस करूँगा और ट्रेस करने के बाद फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें ये फोटोशॉप और इसके अंदर ऑटोमेटिक रिपीट लग जाती है। जिस तरीके से हम ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके हम कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें ये हमारा टाइम बहुत बचता है। इसमें खुद बहुत हर तरफ कॉपीज़ की रिपीट के मुताबिक हो जाती है, ऑटो या खुद बहुत इसकी रिपीट लग जाती है, ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें जाल बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूँगा कि ये जो आपकी जो बूटी है ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ से इसको क्लियर करता हूँ, उसके अंदर जो कमी देखती है उसको दूर करने की मैं ये कोशिश करता हूँ, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और दिखा दूँ कि आप अपने इमेज को एक बार दोबारा देख लें वो किस फॉर्म में, ये देखें इसके अंदर, ये देखें कि ये आपकी बेसिक, ये आपकी लाइन थी, ये आप लाइन को गौर से देखें, ये थी और ये थी। तो इसमें एक बूटी ये, ये दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और बीच सेंटर में पाँचवीं आ गई, ऐसा ही है ना, आपने जो फिट करी दी है। अब वो साइज़ वगैरह तो वो जो भी है वो देखेंगे पहले, अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब इधर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ,
ट्रेस करने के बाद फिर मैं आपके तरफ दोबारा आता हूँ, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। मुझे प्रेसिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, ये आप देखें, ये कंप्लीट हो गई। और अब मैं इसकी ये नीचे आपकी जो लेयर को बंद करूँगा, इस तरीके से ये मेरे आपका ये आ गया। और आप ये देखेंगे ये चारों तरफ कैसे ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बीच में इसके ईयर रिंग रहता है आपका, चलिए मैं इसको भी प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जाल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर मज़ीद हम क्या खूबसूरती ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, जैसे ये हमारा बॉक्स है ना, ये बॉक्स देखें, ये 3 इंच का बॉक्स है। तो मैं ये बॉक्स के बारे में बता रहा था। नॉर्मली आप लोग जब पेपर पर वर्क करते हैं तो ये एक बूटी आपने ये वाली बनाई होगी, मेरी देखें पेंसिल का इशारा देखें, या कहीं से भी आप शुरू कर लेते होंगे, फिर क्या करते होंगे इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। अच्छा, वो जो प्लस की बात जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, इसमें भी प्लस का निशान चलेगा, ठीक है। आप ड्रेसिंग पेपर इस पर रख करना, इसका भी प्लस का निशान, ये जितने भी हैं ना इसको सबको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, एक प्लस ये हो गया, सारों पे ना ट्रेसिंग पेपर रख के पहले आप प्लस इसको कर लें। ये देखें मैंने बनाया और ये प्लस सब तरफ बन गया, मैंने एक प्लस बनाया है और ये सब तरफ आ गया। तो आपको ये सारे प्लस बना लेने हैं, फिर इस पूरे पेपर के ऊपर, पूरे इसमें बॉक्स के ऊपर आपको ट्रेसिंग पेपर रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो जो हम इजाफी वर्क करेंगे आपको उठाना है। और सिर्फ करना क्या है, देखें ये ए को, जब ये आपका ट्रेसिंग पेपर ट्रेस हो जाएगा तो सिर्फ ये करना है, ए को नीचे वाले ए पे ला के ट्रेस कर देना है और नीचे वाले ए को ज़रूरत पड़ने पर ऊपर वाले ए के मुताबिक ट्रेस कर देना है। इसी तरीके से यहाँ मैंने बी बना दिया, ये देखें ये इधर भी बी आ गया। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका मैनुअल पे ऐसा होगा नहीं, आपको उसको समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है और उसको क्यों करते हैं, ठीक है। अब मैं ए और बी को मैं हटाता हूँ और ये प्लस भले देखने लगा रहेगा, ये भी हम बाद में देखेंगे इसको हटाते हैं नहीं हटाते, ठीक है। चलिए मैं हटाता हूँ, मैं इसकी लेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि ज़रूरत तो बाद में काम आ जाए, आप हम इधर आते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं आपकी इस इमेज को क्लियर करूँगा, कोशिश करूँगा इसको जकाट के, जो जकाट पर जिस फॉर्मेट में हमारा डिज़ाइनिंग बनता है, डिज़ाइन बनता है ना, उसका वज़न, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके मुताबिक पहले तो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको पहले तो मैं इसको कर रहा हूँ डार्क, ठीक हो गया, डार्क कर रहा हूँ। मेरे पास पेज मूव करने का ऑप्शन भी है और डिजिटल पे जो काम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पेन टैबलेट के जरिए ये काम हो जाता है। खैर मैं तो पीसी पेन टैबलेट पर कर रहा हूँ, टैबलेट पीसी पे, क्योंकि डायरेक्ट स्क्रीन पे पेन चलना होता है, और मैं उस पर भी काम करता हूँ पेन टैबलेट पे। तकरीबन लगभग दोनों का काम एक जैसा होता है, लेकिन इसमें ज़रा सा पास काम होता है और इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए बंदे को ना, ठीक है। अब देखेंगे मैंने ये बता दी आपके इमेज को मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपको बता दी। अब ये देखेंगे जो पत्ती है ना, पता नहीं ये कैमरे में आपके ये ऐसे आई है क्या है, बहरहाल पत्ती ना ऐसे नहीं होनी चाहिए पत्ती, कम मेरे साथ उसको अगर आप यूँ कर लेते ना, ये देखें ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाती। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए गौर से देखते रहिएगा, ये
गया। अच्छा अब आते हैं, देखें इसके अंदर मरीज को खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करते हैं, मरीज इसे हम क्या करके और ज़्यादा ये खूबसूरत बनाए। ठीक है, अब ये इसको हम इसके थोड़ा सा सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट डेकार्ट के अंदर बहुत कम होता है। जैसे ये सिंगल लाइन आ रही है ना, इस तरीके से कोई चीज़ डेकार्ट में ना नहीं होनी चाहिए। कभी भी करें एक वजन देकर आर्ट बनाए इसका। अब देखो मैंने इसको यूँ करा है ना, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करूँगा, मामूली से ही करूँगा। ठीक है, ये आपकी जो पत्ती है इसके अंदर हम अभी अगर एक तो कांटे वाली पत्ती जैसे होती है तो ऐसे कर दें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ देखें ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह पे कॉपी और ऐड हो रही होगी, लेकिन आपको मैनुअल ट्रेसिंग पेपर के जरिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें मैं ये जो पत्ती क्लियर कर रहा हूँ ये बूटियाँ आपकी, फिर आप इसको देखिएगा पहले से ही थी या अभी कुछ बेहतर है, ये आप मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर देखें ये रिंग से बेहतर था कि अगर हम यहाँ बहुत अच्छा होता है कोई फूल ले लेते खूबसूरत सा, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर फूल ले लूँ आपके इसी रिंग को ना फूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और ये फूल हम देते हैं कोई इस तरीके से ऐसे। ये डिजिटल आर्ट आर्टिस्ट का काम है जो ये जो हो रहा है ना, और आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस पर जितनी प्रैक्टिस करना करें आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी ज़्यादातर इसी पर काम चल रहा है, डिमांड भी अभी इसी की आने वाली है। मैं तो काम कर ही रहा हूँ उस पर, मेरा अपना प्रोफेशनल वर्क है इसका, लेकिन ये अभी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कोई लोग जो लोग कर रहे हैं वो बता नहीं रहे किसी को, वो खामोशी से अपना कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, खुफिया रखा हुआ है इस चीज़ को कि प्रोफेशनल अंदाज में टेक्सटाइल के अंदर इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। अब ये देखो मैं इस ब्लैंक को भी थोड़ी सी मोटी करूँगा, ये कर दिया। अब वीडियो हो रही है लंबी, मैं थोड़ा सा इसको रोक रोक के चला रहा हूँ। ठीक है, ये हम दोबारा आए और मैं इसको भी मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गई, इसको भी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ देती है, इसको देखते हैं क्या है, इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। सर ये दाना तो गोल दाना अच्छा लग रहा है, इसको यही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा भी सही ये कर सकते हैं इसको, इस तरीके से पत्ती बना लें इसे, लेकिन ये उठाया अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, ये कलर है। और इसको भी हम क्या है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, अच्छा ये हो गया। अब क्या है तो इस पत्ती के अंदर भी आप कांटे लगा सकते हैं, इससे जो कट कांटे वाली पत्ती होती है ना, कांटों वाली, ये देखेंगे ऐसे, ये हो गया। अब मैं आता हूँ रिपीट की तरफ, इसका जाल कैसे बनेगा। देखें जाल बनाने के लिए पहले तो मैं इसको आपके सामने पूरी तस्वीर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बॉक्स जो है ना हमारा ए, ये जो ए है देखें, ये मैंने ये यहाँ बनाया सेम यहाँ आ गया। इसका मकसद ये हुआ कि हमारा ये जो बॉक्स है ना, ये जो मैंने बनाया था आपको,
जो दिखाया था मैंने ए के बारे में जो चीज़ें बताई थी आपको, वो देख लें आप। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ये गौर से देखना है, जब मैं ये कहता हूँ ए और बी का ये जब मैं नाम लेता हूँ, तो ये आप ये बात ध्यान में रखें, ये मेरा 3x3 का एक बॉक्स है। तो और ये बॉक्स मेरा सेंटर निकालने के बाद 1.5x1.5 इंच का बचा एक बॉक्स मेरा, ये जो बॉक्स है ना ये 1.5 इंच का है ये, और ये इस तरीके से 1.5x1.5 के 4 बॉक्स बन गए ना, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई आपके, ये बॉक्स बन गया 1.5x1.5 का। अब इसके अंदर ये बूटी आएगी, ये अब ये देखें ए मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो आप देखें इसके हमें सारे इसके क्रॉस में आएंगे, ठीक है। इसके क्रॉस में पहले ये आएगा और एक 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 बॉक्स खाली जाएगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक आ जाए, जैसे ये नहीं भरे हुए बॉक्स में, सही है। वो जो खाली बॉक्स होगा उसमें बी आएगा हमेशा ऐसे। अगर हम ऐसे वर्टिकल देखेंगे टॉप बॉटम पर की तरफ देख रहे हैं तो ए बी आ रहा है। बहरहाल आप इसको सिंपल व्यू देख लें, क्रॉस में क्रॉस इसका ये बनता है, देखें क्या है, इसको बी को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब रही बात इसके जाल बनाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ इसका जाल बना करके दिखाऊँ आपको। अब देखें क्रिएशन आपके ऊपर है, आप मुझसे थी भी क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया के तौर पे दे रहा हूँ, तो आप इसको ज़रा सा देख के समझ के कोशिश करें कि मुझसे थी बना लें। अब यहाँ ये ध्यान कह रहा था कि पता नहीं ये जाल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, गौर से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जाल बनाने की, जाल में कन्वर्ट करने की, गौर से देखिएगा। और ऑटोमेटिक इसकी रिपीट भी लग रही है, ये भी आपको देखना है। ये देखना है। जिस वक्त आप काम करते हैं तो आपका जहन खुद ही आपको बताता है कि क्या करना है, ये किस सोच के नहीं बनती, ये आपकी सोच उस वक्त लाइव क्रिएशन से ना आपकी सोच चल रही होती है, ऑन द स्पॉट फैसला करना पड़ता है क्या चीज़ बेहतर लग रही है, क्या चीज़ खूबसूरत लग रही है। तो बहुत सी जगह हमें डिलीट करना पड़ता है, आप कभी भी एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बना सकते जो आपके माइंड में चल रही हो, उसको लाने के लिए रेस करना लाजमी होता है, वन टाइम में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको जाल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो मैं कितने हद तक इसको कर सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद काम करूँ इसलिए मैं बोल कम पाऊँगा, ठीक है।
जरा सा आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ जो है ना, अब मेरे लिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं वीडियो रोकता हूँ, इसको कुछ अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। चलें जी दोबारा आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, अभी क्या बेहतर लग रहा है। मैंने एक कोशिश और करी, इसको कुछ और बेहतर करने की, अब देखें कामयाब हो पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल क्रिएशन में डेली हमारे को ये चीज़ें फेस करनी होती है। पूरा पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है क्रिएशन में। खैर ऐसा कोई मसला नहीं, होता रहता है, काम है, काम का हिस्सा है। ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी क्रिएशन होगी उसकी जीत उतनी है। अब ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जाल की शक्ल आ रही है ना इस टाइप का। और फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा लग रहा होगा नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता कि इसके अंदर कोई जाल भी बन पाएगा। ठीक है, और आप ये देखें मैं इस बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा हूँ। ये बस बॉक्स पे भी नज़र रखिएगा मेरी वीडियो के अंदर, मैं किस किस बॉक्स में गया हूँ और कहाँ कहाँ मेरा काम हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सारे बॉक्सों में खेल रहा हूँ, बारी बारी मेरे को जगह मिल गई। वो तो मैंने सिर्फ बॉक्स ए और बॉक्स बी इसलिए दिया कि इसको क्रॉस में हर चीज़ को ना क्रॉस में कॉपी करने के लिए, तो ये इसमें एक ऑप्शन होता है, हमारी जगह बैलेंस सब बराबर आ जाता है, इसका सिर्फ फ़ायदा ये होता है। ये फूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब आप देखें इसकी जाल की शक्ल आ गई ऐसा ऐसा। अब आप देखें इसके अंदर जो चीज़ की कमी देखिए थोड़ी बहुत लगी है, जैसे डाल बिल्कुल खाली जा रही है। अब इसमें आपको ये छोटी पट्टी देनी है, यहाँ से देंगे तो ये देखें यहाँ पर भी आ गई, देखें खुद को खुद निकलेगी पट्टी है ना। ये देखें, तो जब आप ट्रेस कर रहे हैं तो ये इस इमेज को ऊपर की तरफ भी ट्रेस किया करें, जो इसमें अपडेट आए, ठीक है। नीचे बार बार इसमें ना अपडेट होती रहती है चीज़ें। ये देखें, ये देखें, अब आप देखें आपकी जो बूटी थी ये किस तरीके से जाल में कन्वर्ट हो गई। अभी काम करने को तो मैं इसमें बहुत सारा कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने बताई है। चले बस इसमें अब एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा आपको और आसानी के लिए, इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर फिल कर रहा हूँ मैं इसका। ठीक है,
ये देखिए, ये मैं फूलों में सारे में कलर भर रहा हूँ। कलर करने के बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। ये ठीक है, ये कलर हो रहा है। अब देखें जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ कलर कर रहा हूँ, ये अपने बॉक्स की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, ये फाइनल शक्ल इसकी आ गई। ठीक है, अच्छा ये तो एक आपका डिज़ाइन था, अब मैं आपका डिज़ाइन बंद करता हूँ। ठीक है, ये भी बंद करता हूँ। मैंने इसी पे एक अपना डिज़ाइन बनाया था, ये देखें आप, ये 3x3 के बॉक्स पर और इसी अंदाज पर। अब आप देखें इसके अंदर मैंने थीम चेंज करी हुई है ना। ठीक है, चलिए आप इसको देखें, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।